नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं upnewsclick.com। आज हम पहुँचे हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक मसूदा के ग्राम सभा दोस्तपुर में। शहर से जब प्रवासी मजदूर गांव की तरफ चले तो रोजगार का संकट सबसे ज़्यादा पैदा हुआ, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतें आईं लोगों को तो राशन कार्ड और राशन से संबंधित ही दिक्कतें आईं। क्या है गांव का माहौल जब लॉकडाउन से हम अनलॉक में आ गए हैं? अब रविवार की जो साप्ताहिक बंदी भी होती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। कितना कुछ बदला है गांव में, क्या कितने लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़े हैं? जो मजदूर शहर से गांव में आए थे वो क्या फिर शहर की तरफ पलायन करने लगे हैं? यही स्थिति जानने के लिए हम इस ग्राम सभा में आए हैं, और इस हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। इन्हीं से हम सारी जानकारी लेंगे, सवालात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, डीएम की तरफ से आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया गया था कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो? सबसे पहली गाइडलाइन जो दी, उस गाइडलाइन के मुताबिक शुरुआती दौर में जो लोग आए थे अप्रैल माह में, उनके लिए शुरुआत में जो आदेश था डीएम साहब का वो ये था कि विद्यालय में रोका जाए। पहली खेप को विद्यालय में रोका गया था। दूसरी खेप फिर से जब मई में आना है, प्रशासन का गाइडलाइन बदल गया, सरकार ने अपना गाइडलाइन बदल दिया, अब होम आइसोलेशन कर दिया। तो इसलिए हमने लोगों को घर पर रहने के लिए प्रेरित किया। 5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर बाकायदा उनके घर जाता था मैं स्वयं, और उनको प्रेरित करता था कि आप घर में रहें, कोई भी दिक्कत आए तो फोन से अलग हटके किया था। ये जो निगरानी समिति थी इससे अलग हटकर नवयुवकों की टीम थी लगभग, जिसकी 30 से 32 साल उम्र हुआ करती थी, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का इफेक्ट न पड़े। उनके घर घर जाकर लोगों को समझाया गया, उनके द्वार पर बोर्ड लगाए गए, उनको राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई, घर पर ही कोटेदार के माध्यम से उनको फिंगर उनके परिवार के सदस्यों से लगवा कर उनको घर पर ही राशन मुहैया करवा दिया जाता था ठेले के माध्यम से, जिससे कि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको राशन लेने जाने की आवश्यकता ना पड़े। कोटेदार के यहाँ किसी भी प्रवासी श्रमिक को राशन लेने आने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हमने जो समिति बनाई थी विशेष करके 5 सदस्यों की, नवयुवकों की, वो टीम जाकर घर घर राशन पहुँचाती थी और लोगों को कुशल क्षेम जानती थी। लेकिन जो ग्राम सभा में थे, कुछ लोगों का था कि राशन कार्ड नहीं बना था, और बना भी था तो यूनिटें कट गई थी, उनकी समस्या कैसे समाधान किए? हम इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में लगातार 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा हूं। जब मैं प्रधान प्रतिनिधि नहीं था तब भी मैं मेहनत किया था। आज दोस्तपुर की यह रिकॉर्ड है कि बिफोर तक लगभग आप यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से पीछे देखेंगे 6 महीने पहले जाकर, तब भी आप कहेंगे दोस्तपुर में 99% राशन कार्ड बने थे और सभी की यूनिट जुड़ी थी। सबको अपनी बोलेरो में भरकर मैं ले जाकर सुहावल में आधार कार्ड बनवाकर स्वतः जुड़वाता था। यहाँ से लेकर DSO ऑफिस तक की मैं भाग दौड़ लगाकर सबका कार्ड में जुड़वाया हूँ, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। कुछ लोगों की यूनिट कट जाती थी, ये हर गरम सा। हाँ, 8 फरवरी को जो यूनिट कटी थी, हमने फरवरी माह में ही DSO साहब के यहाँ जाकर बैठकर 1 महीने में फरवरी माह में ही सारी यूनिटें जुड़वाने का। कटने का रीजन कहाँ से पैदा होता है? यूनिट कटने का रीजन, जब हमें 2 महीने पहले उसी परिवार को लेके 7 व्यक्ति को लेके राशन मिलता था, तो बीच में क्यों कैसे वो 5 व्यक्तियों की हो जाती? बिल्कुल, मार्च में क्लोजिंग आता है, उससे पहले मार्च की बात ना की जाए फिर भी हो जाता था। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हर गांव में हो सकता है, लेकिन दोस्तपुर में नहीं होगा, मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं बराबर ऑनलाइन चेक करता रहता हूं मेरे यहां यूनिट घट रही है कि बढ़ रही है। बढ़ी तो किसकी बढ़ी, घटी तो किसकी घटी, उनके यहां तत्काल में मोबाइल के माध्यम से सूचना। रेशियो कितना रखा गया इस ग्राम सभा में? रेशियो इस समय 1681 यूनिट का राशन वितरित हो रहा है, जिसमें 31 कार्ड धारक जो हैं अंत्योदय कार्ड धारक हैं, और 312 कार्ड धारक पात्र गृहस्थी के हैं। और इसी के साथ साथ हमने इस पर और मेहनत किया, लगातार संघर्ष जारी रखा, और आज भी मेरा मनरेगा को लेकर क्या रहा? मनरेगा को लेकर हमने जो प्रवासी मजदूर आए जी, उनका राशन जॉब कार्ड किस तरह के बनवाया जी, गया? जी जी बिल्कुल जी जी, जॉब कार्ड के विषय में जब मैं चयनित हुआ था तो दोस्तपुर में 164 जॉब कार्ड थे, जो इस समय लगभग 335 के करीब इर्द गिर्द जाके पहुँच रहे हैं। लगातार मेहनत किया उस पर, रोजगार सेवक से भी हटकर मैंने स्वयं जॉब कार्ड बनाया, निःशुल्क जॉब कार्ड दिया, किसी से एक भी पैसा नहीं लेने का कार्य किया गया है। जॉब कार्ड में आज जो 164 जॉब कार्ड धारक थे, आज कितने मजदूर हैं मनरेगा के?
मनरेगा के मजदूर जो एक्टिव जॉब कार्ड धारक हैं वो 138 40 कितने इसमें, नहीं मनरेगा के एक्टिव नहीं पूछ रहे हम, टोटल संख्या पूछ रहे हैं। 327 में से 128 लोग काम करने जाते जी। और लॉकडाउन के पहले भी स्थिति यही थी कि लॉकडाउन के बाद संख्याएं बढ़ी। देखिए ये जो दोस्तपुर ग्राम पंचायत है ये दबे कुचलों की ग्राम पंचायत। नहीं लॉकडाउन के पहले क्या था, कितने लोगों की एक्टिव थे? लॉकडाउन के पहले 119 लोग एक्टिव थे, लॉकडाउन के बाद 133 संख्या पहुंची थी, 142 हो चुकी थी, लगभग 168 तक गए थे, लेकिन फिर बीच में खींचकर इस समय जो सिचुएशन है वो 120 एक्टिव हैं। तो क्या 168 जो संख्या पहुंची थी क्या उनको एक साथ काम दिया जाता था, रोजगार दिया? नहीं नहीं, उसके लिए हमने टर्म बनाया था क्योंकि एक साथ काम देना संभव नहीं था, सोशल डिस्टेंस बन नहीं पाता था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक बार मेन ग्राम पंचायत जो है दोस्तपुर बार में 50 लोगों को काम दिया जाएगा, एक बार में 60 लोगों को, फिर एक बार में 60 चलता था ये लगभग जब तक हमारा जल संचयन का कार्य चला उस पर संभव होता। 50 लोग आज काम कर रहे हैं, आज लगाया गया, तो वो कितने दिन तक काम करेंगे? एक हफ्ते काम करेंगे। दूसरा टर्म दूसरा गांव करेगा, तीसरे टर्म पर दूसरा गांव करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो पहला टर्म काम करेगा तो उसका हफ्ता उसका नंबर 15 दिन बाद फिर आएगा। नहीं इसी दरमियान 15 दिन वो अपनी रोजी रोटी है वो कैसे चलाएगा? इसी दरमियान हमने उनको एक ट्रिक बताया था कि यदि हमारा एस्टीमेट बन जाता है और हमें गांव में काम मिल जाता है तो हम आपको समय से पहले भी बुला लेंगे। लेकिन ये तो मतलब कंफर्म नहीं हुआ था ना, हाँ। आदमी कब तक बैठा रहेगा वो, उसके लिए वैकल्पिक काम था। इस समय कितने मजदूर काम कर रहे हैं? इस समय 35 मजदूर काम कर रहे हैं। और बाकी मजदूरों को रोजगार, जैसे अभी जो बात हो रही है, दो एस्टीमेट के लिए हमने दिया है डिमांड, पंचायत घर बन रहा है और सामुदायिक कहीं ना कहीं ये होता है कि सब सारे मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है। जो 50% एक्टिव हैं हम उन्हीं को काम नहीं दे पा रहे हैं, तो 100% की हम कैसे बात कर देखिए जो इसमें जो है अगर आगे बात की जाती है तो बताया जाता है जो आपका रेशियो है लगभग कोरोना टाइम में लगभग समाप्त हो रहा है और पूरे टाइम चलना है आपका। तो क्या मजदूर फिर से प्लान करने लगे शहर में जो आए थे बाहर? जैसे जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे किसी फैक्ट्री में, वो रजिस्टर्ड थे, उनकी वहाँ से कॉल आना स्टार्ट हो गया तो वो अब जाना प्रारंभ कर दिए हैं। जाना प्रारंभ मतलब यहाँ अब रुक नहीं रहे भाई, यहाँ रोजगार ही नहीं उपलब्ध हो पाता। रोजगार यहाँ है लेकिन सीमित मात्रा में है, जितना उनको चाहिए उतना नहीं है। नहीं, गाँव को सेंट्राइज कितनी बार करवाया गया था? हर मंगलवार को मेरा सफाईकर्मी अभी तक भी सेंट्राइज किया जा रहा है, घर घर हो रहा है। एक अकाउंट जो होता है, खाता होता है आशा बहु और आपका होता है जी, उस मद में जो पैसा आता है वो स्वास्थ्य विभाग भेजता है हर साल 10,000 जी। वो पैसा आया जी तो वो किस मद कहाँ खर्चा हुआ? बहुत सही प्रश्न आपका, मैं इस पर भी गाइडलाइन अपनी बताना चाहता हूँ कि सब प्रधानों से हटकर है बिल्कुल, मैंने उस खाते से एक भी रुपया अभी तक निकालने का कार्य नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग का पैसा यहाँ लगना था मैंने अपने व्यक्तिगत जेब से निकालकर सारे सामान, जब सरकार दे रही है तो व्यक्तिगत आप क्यों? इसलिए दे रहे हैं कि उसका कहीं सदुपयोग करेंगे। ये हमें लग रहा है कि कुछ दिन के लिए हम उस पैसे से ऐसा काम करेंगे जो कुछ दिनों तक रहेगा, दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए हमने वहाँ से पैसा नहीं प्रमाण के लिए, इसीलिए आप हमने उस मद को बे नहीं करा गया है। जैसे आपको बताता हूँ दुर्गामी प्रणाम के लिए कि हमारे यहाँ इब्राहिमपुर तकिया है, हमारे यहाँ दोस्तपुर दो आशा बहुएँ हैं, तो यहाँ पर तो बैठने उठने की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर जब जाती हैं तो दूसरे के घर में टाइल्स लगा चटाई बिछा के टीकाकरण होता है। हमें ये बहुत दुख हुआ, हमने कहा उस पैसे को सेव रखो, एक दिन ऐसा आएगा हम लोग 10-12 हज़ार निकल कर 2-4 तक थे और 4-5 कुर्सियां लगाएंगे, मतलब जो गरीब तबके हैं उनको हम विपरीत करेंगे। हाँ, फिर वो जो है उसी से वो लोग उसी पर बैठने के लिए उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो सरकारी धन का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होने दिया जा रहा है, जो छोटे मोटे कार्य हैं उसको अपनी जेब से। आपकी बड़ाई या बड़प्पन कहा जाए कि जो आप सरकारी मदों का दुरुपयोग नहीं होने दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। ये थे ग्राम सभा दोस्तपुर के प्रधान प्रतिनिधि, जो अपनी ग्राम सभा में किस मद से पैसा आया और कहाँ खर्चा किया सारी जानकारी दी, लेकिन सरकार के ऊपर सवाल लाजमी उठते हैं और उठते रहेंगे। सरकारें हमेशा आंकड़े पेश करती हैं कि ग्राम सभा में हर ग्राम के व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है इसमें, लेकिन सरकार की नाकामियां साबित होती हैं।
आज भी लोग जो ग्राम शहर से गांव में आए थे वो फिर से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। वजहें रोजगार गांव में न उपलब्ध होना। धन्यवाद।